This topic is bootstrap component. ठीक है, अब bootstrap के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट है, जैसे कि बटन ग्रुप, कार्ड, मॉडल, कैरोजेल और भी बहुत कुछ। तो उसमें से हम चार पांच आज देख लेंगे और बचे कुछ कल देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंटेनर बना लेंगे। अच्छा, उसके पहले हम हमारे बूटस्ट्रैप की लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो मैंने कॉपी कर ली है, यहाँ पे पेस्ट कर दी। ठीक है, ओके, सो नाउ कंटेनर, और कंटेनर के अंदर जस्ट फॉर टेस्टिंग अभी हम बना रहे हैं बटन ग्रुप। क्या हो गया, देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ठीक है, दिखाई दे रहा है बटन ग्रुप? यस सर। वेरी गुड। तो बटन ग्रुप के बाद पूरी स्क्रीन शेयर करते हैं। ठीक है, इसको ना एक डिव के अंदर ले लेंगे। ठीक है, सो डॉट बटन ग्रुप, ठीक है, ओके। तो बटन ग्रुप हम कैसे लेते हैं, तो अभी मैं काम करता हूँ, एक डिव बना लेता हूँ। ठीक है, उसके अंदर बटन, ठीक है, उसको क्लास लगा देंगे btn और btn प्राइमरी। अभी आपने btn और btn प्राइमरी बहुत बार देखा हुआ है। यस सर। इसको हम कर देंगे लेट अस से बटन वन। ये हमें कितनी बार चाहिए, तीन बार चाहिए। ये आया बटन वन टू और थ्री। ठीक है, तो इसका आउटपुट देखो, आउटपुट में क्या है, बटन वन, बटन टू और बटन थ्री सेपरेटली आ गए। हमें क्या करना है, बस इस डिव को क्लास लगा देना है, वो होगा btn ग्रुप। देखो एक क्लास से क्या हो गया, इन तीनों बटन का एक ग्रुप बन गया। ये तीनों बटन इंडिविजुअली भी काम कर सकते हैं, ठीक है, बस इनको एक साथ क्लब कर दिया है, दैट्स इट। बटन ग्रुप में कोई दिक्कत? ओके, फिर बटन ग्रुप के बाद हम देखेंगे कार्ड। ठीक है, बटन ग्रुप के बाद हम देखेंगे कार्ड। तो सबसे पहले आपको कार्ड के अंदर एक बड़ा डिव लेना पड़ेगा और उस डिव का नाम होगा, मतलब उस डिव का क्लास होगा कार्ड। ठीक है, फिर उस कार्ड के अंदर आपको कार्ड की बॉडी लेनी पड़ेगी, बॉडी के अंदर हेड, बॉडी का टेक्स्ट और फिर फुटर, ये दो तीन चीजें आएगी। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। अब हमने कार्ड ले लिया, कार्ड का हम विड्थ सेट कर देंगे। मैं अभी कर रहा हूँ 18 रेम, आपको अच्छा लगे तो आप छोटा बड़ा कर सकते हो। इस डिव के अंदर हमें सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, कार्ड की बॉडी। तो डॉट कार्ड बॉडी, अब कार्ड की बॉडी के अंदर क्या आएगा, उसका टाइटल वगैरह आएगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, कार्ड हेडर यूज करते हैं और उसके अंदर H4 टैग को दे देते हैं, या फिर आपके मर्जी के हिसाब से आपको H3 देना है तो H3 भी दे सकते हो। H4 में मैं दे रहा हूँ कार्ड टाइटल और इसके अंदर क्या रहेगा, कार्ड हेडर। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। एक काम कर दे, बटन के नीचे ना थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, तो मार्जिन बॉटम देंगे 5, तो वो नीचे आ जाएगा।
ओके ठीक है, तो हेडर हमने दे दिया। अगर आपको कुछ सब हेडिंग भी देने तो वो भी आप दे सकते हो, लाइक दिस H5 में आप टेक्स्ट म्यूटेड में ले रहे हो, तो उससे क्या होगा थोड़ा सा वो जो फेंट इफेक्ट आ जाएगा, फेडेड इफेक्ट आ जाएगा। तो लेट अस से सब हेडिंग, ठीक है दिखाई दे रहा है सब हेडिंग। फिर उसके बाद हेडर क्लास के बाहर आएंगे हम, और हमारा जो भी कार्ड का टेक्स्ट है वो लिख लेंगे। तो पी डॉट कार्ड टेक्स्ट, तो उसके अंदर एक काम करते हैं इसको पहले, अब कार्ड टेक्स्ट के अंदर लेटर से हमारे पास कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर देखो अभी कार्ड का हेडिंग आ गया, सब हेडिंग आ गया, कार्ड के अंदर का टेक्स्ट आ गया। अगर आपको कार्ड के अंदर ही कोई लिंक चाहिए, ठीक है, तो लिंक आप कैसे दे सकते हो, आप ए टैग का यूज कर लो, ठीक है। ए टैग के अंदर आप बस लिख दो कार्ड लिंक, और एचआरएफ में हम कुछ देंगे नहीं तो हैशटैग, और लेट अस से दिस इज बटन फॉर प्रीवियस कार्ड, ठीक है। तो ये ऐसा दिखेगा। और हम एक काम करते हैं, हम और एक एंकर टैग ले लेते हैं विदाउट द क्लास कार्ड लिंक, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर फर्क क्या है दोनों चीजों के अंदर। देखो थोड़ा सा जूम कर लिया मैंने, अभी देखो मैं नेक्स्ट पर अगर मतलब होवर करता हूँ तो क्या हो गया, मेरा जो पॉइंटर है वो चेंज हो गया, और देखो उसके ज्यादा मतलब होवर का इफेक्ट है नहीं अभी थोड़ा सा ही। कार्ड लिंक से क्या होगा, देखो थोड़ा सा होवर का इफेक्ट आ गया, मतलब अगर मैं उस पर होवर करता हूँ तो उसके नीचे वाली जो लाइन है वो चल जाती है। और देखना अभी वो चिपक के, उसको हम क्लास लगा देंगे कार्ड लिंक। देखो उसने स्पेस छोड़ दी थोड़ी थोड़ी सी, तो उस कार्ड लिंक से क्या होगा, जो भी लिंक है हमारी उसको उसके ऊपर एक होवर इफेक्ट आ जाएगा, और उसके मार्जिन पैडिंग में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, दैट्स इट। अगर आपको उसके अंदर बटन भी चाहिए तो आप बटन भी दे सकते हो। बटन के अंदर ज्यादा कुछ हमारे पास क्लासेस अवेलेबल नहीं है कार्ड के रिलेटेड, बटन प्राइमरी अंदर लेंगे कुछ कुछ भी, जैसे सेव का, ठीक है। और इसको हम नीचे ले लेंगे, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे आप एक कार्ड बना सकते हो। अगर आपको कार्ड के अंदर इमेज भी चाहिए तो आप वो भी ऐड कर सकते हो इसके अंदर। यहाँ पे आप IMG टैग ले लो और इसके अंदर एक क्लास लगा दो। अच्छा क्लास की जरूरत नहीं है अभी, एक काम करता हूँ मैं इमेज के अंदर ऐड कर देता हूँ, तब तक के लिए शेयरिंग पॉज। ओके तो इमेज भी आ गए हमारे पास, इमेज दे देंगे हम। इमेज बहुत बड़ी हो गई, कार्ड IMG टॉप, ठीक है। तो ये इमेज कार्ड के अंदर आ गई, राइट। अगर आपको इसकी फुल विड्थ और हाइट चाहिए अगर इमेज की, तो आप इसको कार्ड बॉडी के बाहर ले लो एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। तो हमारे पास अभी बटन ग्रुप है और कार्ड है, कार्ड को एक हेडिंग दे देंगे जैसे हम बटन को दिए थे। तो पी डॉट डिस्प्ले 5 और क्या देना है हमें, कार्ड, दैट्स इट। अच्छा एक काम कर लेते हैं, अभी व्हाइट स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए हम बूटस्ट्रैप ग्रिड का भी इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो इसको एक रो के अंदर ले लेंगे, जो डॉट रो डॉट कॉल, ठीक है। अभी जो भी हमारे पास अभी तक हुआ है उसको उठा के पेस्ट कर देंगे,
अरे एमडीएन रेफरेंस नहीं, ओके तो अब एक और कॉलम बना लेंगे, आई गेस ये रो वाला ही है। हाँ रो वाला ही है, तो रो के अंदर एक और कॉलम। अब इस कॉलम के अंदर हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको ले लेंगे। ऑलराइट, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोलैप्स। तो डॉट कोलैप्स एग्जाम्पल, ठीक है। फिर इसके अंदर ले लेंगे हम एक डिव ले लेंगे। अच्छा कोलैप्स क्या मतलब, इसका मेन एम ये है कि हम एक बटन पे अगर क्लिक करेंगे तो हमें कंटेंट दिखेगा। तो हमें इसको यूज कब करना है, जब हमारे पास बहुत सारा कंटेंट है और स्पेस कम है तो हम इसको यूज कर लेंगे, ताकि यूजर्स के अंदर, यूजर्स पे क्लिक करके फिर जो भी कंटेंट है उसको वो दिख जाएगा। ठीक है, तो हम बटन ले लेंगे, बटन बीटीएन, बीटीएन प्राइमरी, या फिर आपको प्राइमरी नहीं लेना है तो सक्सेस ले लेंगे अभी, और लिखेंगे क्लिक हियर। ठीक है, बटन बन के आ गया, देखते बटन। हाँ अच्छा बटन बन के आ गया, इसको हम एक हेडिंग दे देंगे। ओके तो चैट में किसने क्या डाला है, बैकग्राउंड का आवाज मेरा ही है क्या या किसी और का है? आपका नहीं सर? नहीं है ना, ठीक है। ओके तो हम एक डिव बना लेंगे जो कि होगा हमारी कोलैप्स की बॉडी। ठीक है, तो ये होगा इसका क्लास कोलैप्स, और इसको हम एक आईडी दे देंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ माय डिव करके। फिर इसके अंदर हमें जो भी लिखना है वो लिख दिया, पर अभी देखो बटन काम करेगा या नहीं करेगा वो अभी क्वेश्चन है। देखो बटन हमने ला लिया, हमने कंटेंट भी लिख दिया, पर हमने अभी तक बटन को बताया नहीं है कि उस पे क्लिक करने के बाद क्या करना है। तो हमें यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज करना होगा जिसका नाम है डेटा बी एस टारगेट। तो ये टारगेट क्या है, ये बताएगा कि इस पे क्लिक करने के बाद माय डिव नाम का जो डिव है उसको टारगेट करना है। पर फिर भी ये अभी कुछ होगा नहीं, क्योंकि देखो ये जो है यूज करता है बंडल का जो कि हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, जेएस का बंडल, मतलब वो जावास्क्रिप्ट का यूज करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर कहीं पे भी उसको डाल देंगे ऐसे, और अभी हमारा जो है वो दिखना चाहिए। बराबर है, बराबर है। ठीक है, तो हमारे पास कोलैब से हमने आईडी दे दी, क्लास दे दिया। अच्छा तो हाँ, तो ये देखो डिव को टारगेट तो करेगा, पर हमने बताया नहीं कि इसको क्या मतलब, इसको एक टॉगल भी देना है। तो डेटा बी एस टॉगल, इससे क्या होगा कि इसको पता चलेगा कि जो बटन है वो कोलैप्स के लिए। एक्चुअली डेटा बी एस टॉगल में देखो अभी आपको आगे भी चलेगा कि इसके अंदर और हम वैल्यूज इंटर कर सकते हैं। तो देखो अभी कोलैप्स में क्लिक कर रहा हूं तो वो दिखाई दे रहा है, शो हो रहा है और हाइड भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोलैप्स में देखो ज्यादा कुछ चीजें हमने यूज नहीं की है, एक डिव लिया उसको आईडी, आईडी दिया माई डिव। आप जो भी, आपको जो भी देना है वो दे सकते हो, और क्लास के अंदर मैंने क्लास दिया कोलैप्स। ठीक है, फिर बटन को दो एट्रीब्यूट लगाए हैं, एक है डेटा बी एस टॉगल जो कि शो करेगा कि ये कोलैप्स के लिए बटन यूज किया गया है, और डेटा बी एस टारगेट जो कि टारगेट करेगा हमारे कंटेंट को। दैट्स इट, दो चीजें हमने कोलैप्स के अंदर देखी है अभी तक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोलैप्स। इसको हम थोड़ा सा मार्जिन बॉटम दे देंगे ऑफ 5, ताकि नेक्स्ट हमें जो भी यूज करना है वो इसको चिपक के ना आए। फिर देखो अब हमारा कोलैप्स हो गया।
इसके बाद हमारा है ड्रॉप डाउन, ठीक है। तो हम उसके लिए भी एक क्लास बना लेते हैं, मतलब डिव बनाते हैं, और इसको भी मार्जिन बॉटम दे देंगे। ओके, तो सबसे पहले उसकी हेडिंग आएगी। क्या है हमारा नाम? ड्रॉप डाउन। ओके, आ गया ड्रॉप डाउन हमारा। तो ड्रॉप डाउन में भी क्या रहेगा, एक बटन रहेगा, उस पे हम अगर उस पे हम अगर होवर, मतलब होवर नहीं, क्लिक करते हैं तो उसके अंदर का जो भी हमारे पास लिस्ट है वो नीचे दिखाई देगी, ठीक है। तो सबसे पहले एक बटन ही बना लेते, फिर बटन डॉट btn और btn प्राइमरी, ठीक है। और इसके अंदर हम लिखते हैं ड्रॉप डाउन, ठीक है। तो इसको और अच्छा दिखाने के लिए कि ये ड्रॉप डाउन बटन ही है, हमारे पास बूटस्ट्रैप में एक क्लास है, इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन टॉगल, ड्रॉप डाउन टॉगल। तो देखो छोटा सा एरो बन के आ जाएगा यहाँ पर, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है सबको, छोटा सा एरो, यस सर। ठीक है। तो फिर से अभी हमको वो लिस्ट बनानी है जिसको ये टारगेट करेगा। तो यूएल ड्रॉप डाउन मेन्यू, उसके अंदर आएगी लिस्ट, फिर उसके अंदर आएगा हमारा एंकर टैग जो कि होगा ड्रॉप डाउन आइटम, ठीक है। फिर उसके अंदर लिंक और डॉलर साइन, कितने बार करना है हमें लेटेस्ट से? 4 बार उसको दिखाना है, तो 4 बार। अच्छा, LI को भी 4 चाहिए यहाँ पर, LI × 4। नहीं, अजीब बात हो गई है। तो परफेक्ट, तो ये दिख रहा है कितनी बार आया। अच्छा, ऐसा हुआ क्या? चलो ठीक है, उसको हटा देते हैं। ओके, तो हमें किसी को भी टारगेट नहीं करना है अभी। ओके, फिर भी ड्रॉप डाउन आएगा क्योंकि हमने इसको बताया ही नहीं कि करना क्या है अभी तक, ठीक है। तो बटन को हम वही जो हमने लास्ट टाइम किया था, डेटा बी एस टॉगल करके एक एट्रीब्यूट है, वो डेटा बी एस टॉगल। लास्ट टाइम डेटा बी एस टॉगल कोलैप्स के लिए कोलैप्स था, इस बार वो रहेगा ड्रॉप डाउन, ठीक है। तो जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं हमारे लिस्ट जो है हमें शो हो जाएंगी। ड्रॉप डाउन में किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं, ठीक है। सर। चलो, तो आज का लास्ट लास्ट टॉपिक जो होगा वो होगा मॉडल। अब मॉडल क्या है, जैसे हमारे विंडो के अंदर एक पॉपअप आता है, वैसा पॉपअप जनरेट करने के लिए हम मॉडल का इस्तेमाल करते हैं यूजिंग बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो ये भी इसी कॉलम के अंदर आएगा, इसको हम देते हैं मॉडल एग्जाम्पल। अच्छा, ये स्पेलिंग गलत नहीं है, ठीक है, इसका स्पेलिंग ही है MODAL, ठीक है। अब मॉडल का इस्तेमाल करने के लिए हमें कुछ ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं, ये भी अभी के लिए हम बटन पे ही टारगेट कर रहे हैं, मतलब बटन पे अगर हम क्लिक बटन पे हम क्लिक करते हैं तो वो हमारा जो है मॉडल खुल जाएगा, ठीक है। तो बटन, उसके अंदर BTN प्राइमरी वगैरह वगैरह वगैरह, और यहाँ पे लिखेंगे कि ओपन मॉडल,
मॉडल का हमने बटन बना लिया। अब बटन तो हमने बना लिया, अभी हम बनाएंगे हमारा कंटेंट। तो उसके लिए मॉडल, इसको आईडी भी दे देंगे, आईडी कुछ भी दे सकते हैं, जैसे माय मॉडल आईडी तो हो गया ना लास्ट टाइम। ओके, तो इस डिव के अंदर सबसे पहले हमें वो पॉपअप बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए डॉट मॉडल डायलॉग, देखो यहाँ पर आपको ज्यादा दिखेगा नहीं कुछ। इसको एक काम करते हैं, इसको ना पहले ही वो जो डेटाबेस टॉगल वगैरह वगैरह लगा देते हैं अभी। तो डेटाबेस टॉगल इस टाइम क्या है हमारा मॉडल, और डेटाबेस टारगेट क्या है हमारा अभी इस बार, वो जो आईडी हमने यहाँ पर लगाया है वो। ठीक है, तो इसको कॉपी करके वहां पर डाल देंगे। आईडी का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले हैशटैग और फिर जो भी आईडी का नाम है वो। तो देखो ये थोड़ा सा फेंट हो गया, ठीक है, फेंट हो रहा है थोड़ा थोड़ा, जैसे बटन पे क्लिक करता हो तो। ओके, तो डायलॉग के अंदर हम क्या करेंगे, एक डिव और लेंगे, उसका नाम होगा मॉडल कंटेंट। तो मॉडल कंटेंट जैसे ही हम इसको लेते हैं, देखो अभी क्या होता है, देखो यहाँ पर एक पतली सी लाइन बन के आ रही है, एकदम पतली सी, हल्की सी दिखाई दे रही सबको यहाँ पर। देखो यस सर, हम इसको अगर कमेंट आउट कर देंगे और फिर से ट्राई करेंगे तो नहीं यस दिखेगी, ठीक है। तो वो एक्चुअली सर, हमारा आवाज पूरा ब्रेक हो रही कंटेंट है ही है। सर, आवाज ब्रेक हो रही आवाज ब्रेक हो रहा है, तो है, मैं ये बोल रहा स्लो है। था कि वो एक्चुअल हमारा पूरा कंटेंट ही है, बस उसके अंदर हमें कुछ चीजें ऐड करनी है। ठीक है, आवाज आ रहा है बराबर अभी फिर से, तो सर बीच लैग बीच हो में रहा है ब्रेक हो सर, रहा क्या हो रहा है? है, ठीक लैग पड़ रहा है, नेटवर्क इशू है। है, हाँ मेरे साइड ही थोड़ा सा वो। ओके, तो अच्छा बाद में इसको रिकॉर्डिंग भी आप सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम हेडर लिखेंगे मॉडल का। ठीक है, अब हेडर के अंदर दो चीजें आएगी या फिर एक ही चीज आएगी स्टार्टिंग में। सबसे पहले आएगी उसका हेडिंग, तो H4 को हम क्लास लगा देंगे मॉडल टाइटल, और लेटर से यहाँ पर हम कुछ भी लिख देंगे मॉडल हेडिंग। देखो दिखाई दे रही मॉडल हेडिंग। अच्छा आपको ये मॉडल हेडर निकाल कर, मतलब ये हेडिंग निकाल के दिखाता हूँ कि कैसे दिखता है। देखो क्लिक करता हूँ तो एक ब्लैंक स्पेस आ गया अभी। ठीक है, ये ब्लैंक स्पेस कौन सा डिव वाला है, मॉडल हेडर का है। तो हमने अभी उस पर मॉडल का टाइटल लिख दिया मॉडल हेडिंग करके। फिर मॉडल हेडर के बाद क्या आएगा, मॉडल की बॉडी आएगी। तो डॉट मॉडल बॉडी, अब बॉडी के अंदर क्या होगा, हमको जो भी लिखना है वो हम लिख देंगे। तो मैं फॉर एग्जांपल ये लिख देता हूँ। ठीक है, मॉडल की बॉडी आ गई, उसका हम फुटर भी ले लेंगे। डॉट मॉडल फुटर, ठीक है, और फुटर के अंदर क्या लेंगे हम, क्लोज का बटन। देखो तो हेडर के लिए अलग से जगह है, यहाँ पर नीचे स्पेस के मतलब एक लाइन भी आ गई जो कि दिखाएगा कि ये हेडर अलग है बॉडी अलग है, और नीचे आपको अगर दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पर छोटी सी पतली सी लाइन है जो कि फुटर की है। ठीक है, तो फुटर के लिए हम क्या करेंगे, एक बटन ले लेंगे जो कि क्लोज का बटन होगा। ठीक है, तो बटन के लिए डॉट btn और डॉट btn डेंजर। डेंजर क्यों, क्योंकि हमें इसको क्लोज करना है इसलिए। दिखा दे, अच्छा क्लोज का सी छोटा हो गया, क्लोज का बटन। तो ये भी क्लोज का बटन काम नहीं करेगा क्योंकि हमने इसको बताया ही नहीं कि करना क्या है। ठीक है, तो क्लोज के बटन के अंदर हम फिर से एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे, डेटा bs, बस bs के आगे क्या करना है, डिसमिस करना है। और जैसे हम इसको करते हैं
तो किसको डिसमिस करना है हमें, मॉडल को, तो मॉडल ठीक है, ओपन मॉडल, और देखिए क्लोज का बटन पे क्लिक करता हो तो क्लोज हो गया, ओपन और क्लोज। अगर आपको यहाँ पर भी एक छोटा सा क्लोज का बटन चाहिए तो उसके लिए आप इस हेडर के अंदर टाइटल के नीचे एक बटन ले सकते हो, उस बटन का क्लास होगा btn क्लोज। ठीक है, दिखाई दे रहा है, btn क्लोज के लिए यूज करके बाद यूज करने पे क्या आता है, छोटा सा बटन आ गया क्लोज का, तो अभी ये भी काम नहीं करेगा। तो जैसे हमने क्लोज के बटन को database dismiss नाम का एट्रीब्यूट लगाया था, तो यहाँ पर भी हम वही लगाते हैं, database dismiss, और किसको डिसमिस करना है, मॉडल को। तो देखते हैं अभी क्लिक करने के बाद क्या होता है। ओके, तो मॉडल का हमारा क्लोज भी हो रहा है, दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, अगर आपको वहां पे क्लोज नहीं करना है, साइड में भी कहीं पर टाइप कर दो तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा मॉडल एग्जांपल, यहाँ पर डॉट डिस्प्ले क्या आएगा, मॉडल। डिस्प्ले 5 है ना वो। ओके, तो स्टार्टिंग से बटन ग्रुप, कार्ड 2, कोलैप्स 3, ड्रॉप डाउन 4, मॉडल 5। तो ये हो गया हमारे बटन का ग्रुप। कार्ड तो इजी है, ठीक है, फिर कोलैप्स, एक कोलैप्स, ड्रॉप डाउन और मॉडल, ये तीन चीजों के लिए आपको जेएस का बंडल लगेगा, तो उसको भी कॉपी करके बॉडी के अंदर पेस्ट कर देना है आपको। ठीक है, और फिर लास्ट में मॉडल। तो ये चार पांच हमने आज कंपोनेंट पढ़ लिए है, तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो है कि नहीं है? नहीं है सर। नो ठीक है, ओके। ऑल राइट, तो बाकी के हम कल देख लेंगे। ठीक है, बाकी में कैरोसेल बचा है और अकॉर्डियन, नेवबर और स्पिनर्स, तो चार चीजें बाकी है, वो हम कल देख लेंगे। ना सर का लेक्चर होगा क्या? कल कौन सा डे, सैटरडे का सैटरडे सर। नहीं होगा, एक लेक्चर होगा, छोटा सा है, मतलब आधे घंटे के लिए। ठीक है सर। ठीक है, छोटा सा लेक्चर होगा, ज्यादा कुछ खींचेंगे नहीं उसको, फिर तभी अपलोड करके फिर आप प्रैक्टिस करना, फिर डायरेक्ट मंडे को मिलेंगे। श्योर ठीक है, सर। कल का लेक्चर होगा, ठीक है, याद रखना। ओके सर। ठीक है। ओके, देन दैट्स इट फॉर टुडे। ओके सर, थैंक यू।